consequences दोनों gender को face करने पड़ते हैं. When we discuss about it in inclusion, हम ये core principle हमारे संस्था में रखते हैं कि it is important to empathize with everyone. It is important to understand their concerns and how social construct or social expectations are shaping what roles they can do in the society. तो ऐसा नहीं है कि एक पुरुष या फिर एक महिला कोई एक्टिविटी कर नहीं सकती है. ये बाय बर्थ क्या कहते हैं, एटलीस्ट स्किल्स के मामले में ये बाय बर्थ डिफाइंड नहीं है. ब्रेस्ट फीडिंग इज रिलेटेड टू द सेक्स, तो वो तो बायोलॉजिकल फैक्टर है. इफ यू हैव टू बेयर अ बेबी, अ वुमेन हैज टू हैव अ पेल्विक गर्डल, हिप्स के जो बोन्स है विच आर डिजाइन टू हैव यू नो लार्जर वेट इन द वूम सो दैट द बेबी कैन थ्राइव इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग. बट ह्यूमंस में, मेल्स में वो पेल्विक गर्डल का शेप और स्ट्रेंथ उतना नहीं होता है. देयरफॉर हिप्स का शेप एंड साइज इज ऑल्सो डिफरेंट एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू, नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है. अदरवाइज मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन फॉर इवन मेन टू कंसीव अ बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके उसको अंदर ग्रो करने के लिए. तो होपफुली वी कम टू सी कि कैसे कॉन्सिक्वेंसेज डिफरेंट होने की वजह से, सोशल कंस्ट्रक्ट होने की वजह से देर इज सम प्रेशर दैट्स क्रिएटेड ऑन ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ जेंडर्स फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, और वो हमारे रोल्स को डिफाइन करता है. थोड़ा समय लेते हैं और समझते हैं हाउ डज दिस, कहाँ से ये सोशल कंस्ट्रक्ट बनना कहाँ से शुरू होता है ना. फैमिली सोसाइटी अगर ये एक्सपेक्टेशंस रखती है तो लेट्स डिकोड व्हाट दिस सोसाइटी इज. और उसको समझने के लिए आई रिक्वेस्ट फर्स्ट दिस ग्रुप टू प्रेजेंट व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस फ्रॉम व्हिच अ आइडियल मैन लर्न्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड और नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. So, ideal man according to society is not an ideal man actually, it's a toxic masculinity, and there are quite a lot of sources where it came from. So, first source is family. When a male baby is born and when the family raise that boy, they teach him that you must not cry, you are a guy. Guys are meant to be strong and they don't. They just end their ability to share their emotions with everyone. The next is neighbors. So neighbors always accept that male child to crack IITs and become an engineer and earn a lot, go to foreign countries. And teachers, you all have experienced that it's a punishment. To male and to women and men are different. Okay, when a man does a mistake like not submitting the homework, the teacher beats him. Okay, and when a female does not submit a homework, you just stand behind the classroom. Okay, and then employers. In the corporate world, most of the top task is given to men, and the office work like persuading the clients employee has to sweet talk and is given to the woman, the soft work. And friends, friends and peer pressure. If a guy is crying, seen somewhere crying, their friends will make fun of him that you are a very weak guy. And why are you crying like a girl, like that? And then relatives also judge a guy if he does not score better marks, and is not prepared to earn well and not good in studies. And community, rest she will explain. Yeah, so here you can see that there are many sources
and society in general, and these sources are in particular, are the are defined that what is ideal man and ideal man ko kya karna chahiye. So एक कम्युनिटी होती है, लाइक कम्युनिटी एक्सपेक्ट करती है कि आइडियल मैन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एज अदर ग्रुप्स ने भी जैसे बताया कि आइडियल मैन ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो एक कम्युनिटी भी सोर्स है जो ये प्रेशर डालती है. एंड देन सोशल मीडिया कि नाउ वी कैन सी दैट इन आवर 21st century अभी सोशल मीडिया आ गया है. सो उसमें कई बार ऐसे मतलब कुछ पोस्ट आती है या कुछ भी ऐसे होता है जिसमें मैन को कभी भी सुपीरियर दिखाया जाता है. जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है, कुछ वीडियोज ऐसे आते हैं, तो एक वो भी होता है. देन रिलीजन लीडर, लाइक कभी कभी वो भी ऐसे मतलब प्रमोट करते हैं कि हाँ भाई एक फैमिली में जो मैन है वो ऐसे उनको ऐसे करना चाहिए, ही शुड बी द हेड ऑफ द हाउस एंड ऑल दोस थिंग्स. देन एजुकेशन करिकुलम, समटाइम्स बुक्स में भी कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जिससे स्टीरियोटाइप क्रिएट होते हैं. तो दिस ऑल थिंग्स. थोड़ा सा बोलिए, आप बोल लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंटेशन. हम दूसरे ग्रुप से भी सुनते हैं, दे हैव आल्सो थॉट ऑन सिमिलर लाइन सेम क्वेश्चन, बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज आल्सो यूनिक टू ईच ऑफ देम. सो लेट अस फ्रॉम सेकंड ज्यादा कुछ भी क्या करोगी, कल को घर ही तो संभालना है. अरे ये काम भी नहीं आता है, ससुराल वाले मुझे ताला देंगे. ऐसे की क्या कमी छोड़ी मैंने जो तुम्हें बाहर कमाने जाने की जरूरत पड़ गई. ये सारे वो प्रोवर्ब्स हैं जो समाज में हम बेसिकली सुनते रहते हैं, तो ये इसके जरिए होते हैं. ये कहाँ से चीजें उठ के आती हैं? हमारा सबसे पहला जरिए हमारे लिए हमारा खुद का परिवार बनता है. जब हम जन्म लेते हैं, जब एज अ बर्न आप जन्म लेते हो, तो आपसे एक तरह का व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्हें किस तरह से पालना है. हमें ज्यादा जोर से हंसो मार, ज्यादा जोर से बोलो मार. तो चेंज हैज टू बिगिन फ्रॉम वन सेल्फ. हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि शायद इससे हम कुछ सीख सकते हैं. निगेटिव बात नहीं करें, खुद क्या सीख रहे हो तभी शेयर करना, बाकी लोगों के लिए मैसेज नहीं. मैं क्या सीख रहे हूँ वो सेकंड. ओके ठीक है. मैंने मतलब जैसे कि सबके ग्रुप वाइज मैंने मतलब डिस्कशन सुना, आपने मतलब हर बार ये बोला कि मतलब अगर किसी को क्वेश्चन हो कोई किसी ग्रुप वाले, तो मतलब अगले ग्रुप से आप क्वेश्चन कर सकते हो. एक व्यक्ति प्रेजेंटेशन करने का मतलब कि वो अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये आप सब मानते होंगे. तो कल कुछ बातें आई, कुछ आज बातें आई, सबके अपने अपने दुख थे, मन के उद्गार थे, सबने व्यक्त किया. बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को जो है, जैसा मैम ने बताया कि अगर कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, तो वो अगले पर्सन के लिए, औरतों के लिए कहीं है, तो कहीं पुरुषों के लिए भी ये सारी बातें हैं. तो दो स्टोरियां थी मेरे लाइफ में इसमें, मतलब नो डाउट, जैसा कि किसी ने मतलब यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, किसी ने कहा कि मतलब पुरुष चीटर होते हैं ऐसा कुछ है था. आज कहा किसी ने? हाँ आज, मतलब आई थिंक पुरुष चीटर होते हैं या हस्बैंड इज चीटर नहीं, किसी एक सिचुएशन में उन्हें पता है जहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन या एक सर्कमस्टेंस हुआ था, वहाँ पर चीटिंग एक पर्टिकुलर जेंडर ने किया था. शी नरेटेड अ सिचुएशन, इट वाज नॉट अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट. ओके,
नहीं, फिर भी हमें ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। This was also a topic of discussion when we were preparing for today's session. आज भी हम जब क्वेश्चन की चर्चा आदि का सेशन होने वाला है, there is likelihood कि burden of safety या फिर burden of not making mistake किसी एक gender को ज्यादा महसूस हो। हमने अभी देखा कि burden of economic sufficiency male genders पर होती है, burden of पर्सनल सेफ्टी क्लोदिंग की वजह से तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, ये विमेंस पर होती है। हो सकता है देयर माइट बी सम सच क्वेश्चंस जो अपने खुद के मन में आ रहे हैं, जिससे हमें बचने की जरूरत लग रही है। माय फर्स्ट रिक्वेस्ट इज नैरो डाउन दिस प्रोनाउन कॉल्ड एज हम, बिकॉज वी आर सिटिंग हियर इन अ रूम ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड बाय ईच every part of our country. Hum is a collective pronoun in most of the language. I mean, most part of India understands hum as a collective pronoun. So whenever you say that we should be safe from this, ye articulation madad nahi kar raha hai na aapko na logo ko. But agar ye aapka personal thought hai ki mujhe is particular social construct se bachna hai, so we respect that. Maybe you have reasons from your community or context that make you feel or think like that. Yes? Yes, yes please. And then we come to you. तो problem ये कि अभी हम सब यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और ये खुद के हम अपने घर पे, अभी जब हम थोड़े मैच्योर होंगे, हमारी भी शादी हो जाएगी, हमारे खुद के बच्चे होंगे, फिर भी हम, हमें पता है ये चीजें गलत है, फिर भी हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, क्योंकि ये हम ही कर रहे हैं जो भी हो रहा है। हम को क्या, आप, मैं, जैसे कि मैं कोई भी हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं, आई विल स्टिल पॉसिबल, टेक वन मोमेंट, थोड़ा साइलेंस लीजिए, एंड सेम शेयरिंग, ट्राई टू शेयर इट इन अ वे कि मैं खुद, ठीक है, मैं खुद चाहता था कि जैसे स्टार्टिंग हुई कि मेरे फादर मेरे पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाए, ये लगाए, मेरे को जैसे जिस फील्ड में मेरे को जाना है उसमें जाने दे, ऐसी सारी चीजें मैं खुद चाहता था। लेकिन अभी क्या कि अगर मेरा भी अगर चाइल्ड होगा तो मेरे भी जैसे कुछ ड्रीम्स है कि वो इस फील्ड में जाए, इस फील्ड में जाए, तो ऐसे मैं भी उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि तुम ये मत करो, वो मत करो, ऐसे छपरी बन के मत घूमो। तो क्या आप ये रिस्ट्रिक्शन लगाना जायज होगा? नहीं, मैं यही चीज मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा, हमें पे ही डिपेंड करता है, ये मुझ पर ही डिपेंड करता है, ये मुझ पर ही डिपेंड करता है। So see, this is difficult, this is not easy to change whatever practice habit हो गई ना हमारी, हम कहने की, अब वो habit change करने का जो onus है, जो responsibility है, वो खुद पर है। तो अगर वो change करना है, I hope this is helping you to see specific कहाँ पर खुद के बदलाव में एक छोटा सा शिफ्ट लाने से आप ही नहीं बट आपके आजू बाजू के परिवार में जो लोग हैं उन्हें भी एक आदर्श मिलेगा कैसे बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, we listen to his thoughts as well. मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बेसिक से तो हमें ऐसे सिखाया जाता है कि हम लड़की ने गुड्डा मुट्ठी करना चाहिए, लड़की ने घर का काम करना चाहिए, जो लड़का है उन्हें आर्मी का, आर्मी में जाना चाहिए, जवान बनना चाहिए, मतलब बॉर्डर पे जाके लड़ना चाहिए, उन्हें ये गेम खेलना चाहिए। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा जो बेसिक से जो एजुकेशन सिस्टम से जो चलाया जाता है, जो मतलब बोलना तो नहीं लेकिन जिसकी वजह से, हाँ, तो लड़की ने घर के काम, लड़के ने आर्मी में जाके, ऐसा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। उस एजुकेशन के कंटेंट में भी देयर कैन बी चेंज, तो पार्शियली ही वाज एबल टू आंसर टू द सोर्स क्वेश्चन, स्टिल यहां पर भी अपॉर्चुनिटी है हम के साथ साथ यहां पर मैं अपने कुछ के बारे में बात करूं। उदाहरण जी, जैसा कि आप लोग बनाए हम लोग हम कोई बैठे हमें जाइए, मैं अपने घर के बारे में बताता हूँ। मेरे घर में लड़की बेटी है, उसको भी बेटा बोला जाता है। सबसे पहले तो ये बेटा बोलना गलत है, बेटी है वो अलग है, बेटी है वो है, बेटा कोई बड़ा चीज है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बेटी बराबर है। तो हम ये अपने कम्युनिटी में ये चीज है, हम अपने मतलब घर से ही ये चीज होती है कि
बेटा बेटा बोलते थे, बेटी तो हमेशा को नीचे करते थे। ये पेरेंट्स की भी ये चीज है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हम लोग एटलीस्ट ये ट्राई करें कि बेटी है बेटी है, बहुत बड़ी बेटी, बेटा बेटा है बेटा, दोनों बराबर है। ये बोल करके हम लोग हमेशा बेटी है बेटा है बेटा है बेटा, तो वो लोग हो सकता है थोड़ा सा कि बेटा को कुछ और मिलता है, ये हालत आपका मतलब ये हो सकता है। So he's sharing about his family's experience, what is there, और वहाँ पर कैसे इस एक ही छोटी सी practice में parent को लग रहा होगा कि शायद I'm giving more respect to my daughter within a community, within a community, being same respect as a man or a boy. But when this whole idea of articulating कि वो award का नाम ही एक title है जो कि man है, that whole idea he sees is not appropriate because already it is acknowledging that there is a difference and one title is superior than the other title or one identity of gender is superior than the other title. Thank you for sharing your family's experience. तो कोशिश यही है ना, सब चाहते तो है हम कि बदलाव हमारे कम्युनिटी में हो, हमारे सोसाइटी में हो, हमारे रिलेटिव्स में हो, हमारी फैमिली में हो, बट अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू अस एज एन इंडिविजुअल, टू मी एज एन इंडिविजुअल, एंड व्हाट चेंज डू आई डू डिपेंड्स ऑन एम आई रेडी टू स्टेप आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग जेंडर बॉक्स ऑफ दिस सोसाइटी। तो जो भी सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो भी ये अपेक्षाएं हमारे एक पर्टिकुलर जेंडर पर सोसाइटी की होती है, जिस भी कम्युनिटी में या जिस भी सराउंडिंग में हम बड़े हो रहे, हाउ मच रेडी एम आई टू स्टेप आउट ऑफ दिस जेंडर बॉक्स, क्या मैं वो लड़कर कर रहा हूं या कर रही हूं, या फिर मैं एक उदाहरण बन के उसको जी रही हूं या जी रहा हूं, ये चॉइसेस हम सबके हाथ में है। देयर हैव ऑल्सो बीन एक्सट्रीम केसेस जहां पर such discrimination related to gender has led to emotional trauma in various genders. One example I shared was of farmer suicide, how it is not just a factor of the crops not yielding well that year or not having sufficient rains, it is related to the pressure that gender creates on a person because of the identity and expectations. Similarly, even for women, the choice, I think one group spoke about the choice of conception. कैसे एक पार्टनर को चुनना, वो तो दोनों genders के लिए same pressure है कि they should, the choice is not allowed independently. But when to conceive a child का burden, या फिर एक relationship में दो partners यदि है और उसमें अगर दो different genders के partners है, तो फिर कौन सा पार्टनर है जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप को या फिर उस मोमेंट में सेक्स करने के लिए मना कर सकता है, या फिर कौन सा पार्टनर है जो ये सेक्स करने की इच्छा या प्लेजर पाने की इच्छा को व्यक्त कर सकता है उस रिलेशनशिप में। इवन समथिंग एज माइन्यूट एज दिस इज अफेक्टेड बाय द जेंडर फैक्टर्स। इज इट वेरी कॉमन to see in India that a wife can say no to having sex with her husband? Is it very common in India where a man asks his wife, can I have your consent for having sex tonight or whatever that time is? No. So there is ample of opportunity for us to be aware that if these things are not there, to consent kaise operate hoga within a relationship after marriage or whenever the person finds it right among the partners, theek hai? And we are sitting here as adults, so I hope aapko iske nuances samajh mein aa rahe hain ki hum keval logo ko samjhane ke liye aaj ke is session ke liye nahi ja rahe hain. The whole perspective of today's session is how I can see a change that I can make in my life. हो सकता है वो change करने के लिए मुझे अपने gender box से
मेरे घर में मुझसे जो एक्सपेक्टेड है उससे कुछ अलग करना पड़ेगा, मुझे उसकी तकलीफ होगी क्योंकि 10 लोग बोलेंगे ये आपसे अपेक्षित नहीं है आप क्यों कर रहे हो, बट आई वॉन्ट टू बिलीव दैट दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू डू बिकॉज इट इज मोर इंक्लूसिव टू डू. सो टेक अनदर 4-5 मिनट्स एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिफ्लेक्ट ऑन टूडेज सेशन एंड थिंक अबाउट वन एक्शन that you would want to change in your own behavior, even if it is not expected from you in your family or in your society, but you find that is an inclusive action and that is right thing to do. और इसके बाद में we will be listening from all the groups few examples on that. ठीक है? बचपन से मैं 4th या 5th क्लास में तभी से मैं खाना बनाना कपड़ा तभी से मैं सीखा, आज तक भी करता हूँ. और इस हॉल में भी मेरे बड़े भाई भी हैं, तो ऐसा अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा निगेटिव हो तो आप उनसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं. अगर हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं देन ये जितना भी अपना जेंडर सेक्स है जो भी है सब सही है. एवरीबॉडी और एवरीवन कैन चेंज इटसेल्फ. थैंक यू. वी रिस्पेक्ट व्हाटएवर दिस ऑब्जर्वेशन What happens of this observation over the years, we will leave you with that, okay? So, thank you. We will move to the next group. We move to that group and they come. अभी के जो पैरामीटर है उनके हिसाब से सही नहीं है तो वो चीजें तुरंत चेंज नहीं हो जाएगी. और बाकी ग्रुप से देखा तो उसको लेकर जजमेंटल तो ऐसा नहीं रहता है. कुछ चीजें सोसाइटी में कुछ हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो चीज़ें भी चेंज नहीं. अभी भी हम ढेर सी चीज़ें अभी एग्री करेंगे लेकिन अब जब मेरी एज आएगी जब मैं पापा बनूंगा मेरी बेटी बड़ी होगी मेरी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी. हो सकता मैं विलेज की सोसाइटी में रहूँ तो मेरे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सिटी में रहूँगा तो उतना प्रेशर नहीं रहेगा. मैं फ्रीडम दे सकता हूँ लेकिन गाँव में उतना नहीं दे सकता हूँ. उसके रीजन है सपोज करिए शाम को आना जाना गाँव में लाइट नहीं है, शहर में लाइट है गाँव में दे सकते हैं, अच्छे कॉलेज नहीं है और भी प्रॉब्लम है. जैसे मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ दूसरा भी जानते नहीं है. तो अगर वो मैं जानता हूँ कि किसी को घर में कुछ छोटा मोटा नहीं बोलना चाहिए, गांव वाले नहीं जानते तो कुछ सब बोलते हैं चोरी बोलते हैं लड़की बोलते हैं उसमें क्या बुरा है, उनको लगता है कि बुरा. तो सोसाइटी चेंज होने में टाइम लगता है, हमें भी थोड़ा पेशेंस होकर देखना चाहिए चीज़ें धीरे धीरे चेंज करनी चाहिए. बेटी पढ़ने स्कूल नहीं जाती है तो उसमें पापा के साथ में मम्मी भी रिस्पॉन्सिबल रहती है, मेरे जो बाकी कलीग्स हैं वो सारी मम्मी बनेंगे हम पापा बनेंगे तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि धीरे धीरे होगी जब आएंगे तो चेंज करेंगे. 20-30 साल लगेगा कम से कम एक जनरेशन चेंज होने में. इसका चेंज करने का सिंपल और तरीका है अभी आर्टिकुलेट कर रही हूं. अगर हमारे यहाँ पर हमारे एक मित्र को भी परेशानी हो रही है कि मैं एक बिहेवियर खुद में क्या बदल सकता हूँ, अगर हम विजुअलाइज करने में स्ट्रगल करते हैं मुझे खुद का बिहेवियर कहाँ बदलना है या फिर मेरा तो आगे चल के कम्युनिटी के साथ भी काम करने वाले हैं, अगर वो क्लैरिटी नहीं होगी कि कौन सी एक्शन या बिहेवियर को शिफ्ट करना है
फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हम उस एक्शन के चेंज तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो मे बी यू हैव टू स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम विद योरसेल्फ एंड कनेक्ट इट विद पर्सनल एक्सपीरियंस. लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा, 30 साल लगेंगे अगर इसी विश्वास से हम काम करते चले, बट ये नहीं सोचे कि उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो वो चेंज होने में बहुत लगेगा. बट क्वेश्चन अभी का क्या था, सोसाइटी के चेंज का था या अपने मेरे पर्सनल चेंज का था? उदाहरण आप स्पेसिफिक ले सकते हैं क्या, जो शायद अभी आप अनजाने में कर रहे थे, आपको लग रहा है कि वो स्पेंड योर ओन टाइम विद योर ओन लाइफ, ठीक है, इट इज ओके. होता है ये स्ट्रगल खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस को आइडेंटिफाई करने में, लेकिन धीरे धीरे स्कॉलरशिप के प्रोसेस में कीप वर्किंग ऑन, ठीक है. समाज में ये करना चाहिए, बोल बोल के समाज नहीं बदलने वाला है, हमें वो उदाहरण खुद को सोचना पड़ेगा और वो उदाहरण बनना पड़ेगा. आई रिक्वेस्ट समबडी टू शेयर हु हैज नॉट स्पोकन फ्रॉम द मॉड्यूल फर्स्ट. मैं क्या कर रही हूं, मैं अगर मेरी माँ अगर नहीं खाना बनाना मुझे भी सीखना चाहिए, अगर मेरी माँ कभी बाहर जाती है कुछ काम से, तो फिर जब हम अकेले रहते हैं तो हमें भूख लगती है, तो हम खुद भी खाना बना के सकते हैं वो सीखते हैं. ऐसा नहीं लगता है, वो सोचती है कि इसका काम तो नॉर्मल है और हमको उसका काम नॉर्मल लगता है, लेकिन आज हम यहाँ पे आ चुके हैं तो ऐसा नहीं कि अब जैसे गेहूँ किसाने का काम हुआ तो हम करते थे, तो अभी ऐसा नहीं, घर में लोगों भी नहीं खा रहे हैं, तो खा तो रहे हैं लेकिन उनको ऐसा लग रहा होगा, अभी मेरी बहन को फील आ रहा होगा कि हाँ इसका भी काम हैवी है, तो अभी रिस्पेक्ट उसको मेरे भी मेरे प्रति आ रहा होगा कि हाँ ये इसका भी काम अच्छा है, लेकिन अभी हम उसका काम करते हैं अपना सारा जो भी अपना, तो हमको उसको लगता है कि हाँ उसका भी काम कुछ है, तो यहाँ से चेंज आ रहा है ऐसा ऐसा. Okay, so what I'm understanding from him is, I'm trying to do what my sister did at home and now I'm feeling respectful for my sister. So I'll try to do activities which were not expected from my sister and I will empathize, I'll experience how it is with him. मैंने बहुत सारी बातें सुनी और मैं जब से थोड़ा मैच्योर हुआ हूँ तो समाज में भी बहुत सारी बातें सुनी है, तो इसमें मुझे जो लगा है एक पुरुष जो होता है उस पर घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और जो महिला होती है समाज की जिम्मेदारी होती है, महिला के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, पुरुष के प्रति समाज की जिम्मेदारी रहती है और मैं वो कम लेवल में रहती है और पुरुष को महान बता दिया जाता है हमारे घर में कि तुम पुरुष हो, लड़के हो, ये हो, वो हो, तो उसे समाज की जिम्मेदारी भी पड़ती है, वो ऐसे ही माइंड से निकाल देता है मैं पुरुष हूँ. तो मुझे ऐसा नहीं है, मुझे माइंड में पुरुष पुरुष हूँ लेकिन महान नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए. So there are two messages that I am gathering from you. One is saying कि gender builds my identity, ऐसा मुझे society ने सिखाया है. मैं पुरुष हूँ तो पुरुष के बारे में जो भी identity से expectations है उसको मैंने भी accept कर लिया है बचपन से, because my school has taught me, my family has taught me. So my gender does not define the whole of my identity. One is that message I am getting from you. Second is his personal takeaway that I am not great because I am a certain gender. That is his personal takeaway. But this is very important when we look at gender identity or caste-based identities. कल बात हो रही थी कि कैसे सेल्फ एस्टीम को या सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम खुद ही इमोशनली खुद को हर्ट करते चलते हैं. Our pain increases because we repeat a few thoughts or few hurt within our own mind. अगर हम ये समझ पाते हैं कि मेरा जेंडर ही अकेला नहीं है, I am not equal to just my gender, I am more than that.
आई एम नॉट इक्वल टू जस्ट माय बॉडीज शेप साइज पैटर्न आई एम मोर देन दैट आई एम इट इज जस्ट पार्ट ऑफ मी इट इज नॉट द होल ऑफ मी तो शायद ये जो भी पेन्स है इस जेंडर बॉक्स से बाहर स्टेप आउट करने का या फिर इफ गॉड फॉरबिड कोई इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अब्यूज या हार्म को अंडरगो करने का It is possible that we will be able to heal ourselves much better and faster from it. So thank you for bringing in that point to the discussion. We will move to the next repeat cycle. So next group se we can listen to you. Yeah. Ma'am, जो ये हमें ये जो चीजें हैं कि हमने अभी से नहीं एकदम से स्टार्ट नहीं होती है हमने बचपन से सिखाया जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है कि रो रहा होता है एक लड़का उसे कहा जाता है क्या लड़की की तरह रो रहा है क्या लड़की की तरह भाग रहा है तो लड़की भी बेटी होती है क्या लड़की की तरह भागना मतलब बहुत बेकार भागना होता है तो और बचपन से एक लड़की बहुत बड़ी लिखी हो जाए उसने MBBS कर रखा हो उसने ग्रेजुएशन कर रखा हो और उस लड़की को थोड़ा थोड़ा दूर भी बाहर जाना होगा तो उसके साथ एक छोटा बच्चा साथ में भेज देंगे उसे मालूम है कि वो छोटा बच्चा कुछ कर नहीं सकता लेकिन फिर भी उसके साथ वो भेज देंगे फिर वही लड़का जब बड़ा होता है तो उसको बहुत ये स्ट्रांग समझता है लड़की को कमजोर समझता है तो ये बचपन से ये बातें हमें सिखाई जाती है जिसकी वजह से हम वैसे रिएक्ट करते हैं तो मैं मेरे एक्शन में ये लाऊंगा कि जब मेरे बच्चे होते हैं या मेरे सोसाइटी के आजू बाजू में छोटे 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 बच्चे होते हैं तो उनके सामने मैं ऐसे एक्शंस करूंगा जिसकी वजह से वो ऐसा सोचे नहीं जैसे कि मैं झाड़ू लगाऊंगा जैसे कि मैं पानी बर्तन साफ करूंगा जो लेडीज के जो कलर्स डिफाइन किए गए हैं वो मैं खुद पहनूंगा जिसकी वजह से मेरे आजू बाजू के सोसाइटी के बच्चे और जब मेरे बच्चे होंगे वो ऐसा नहीं सोचेंगे जिसकी वजह से ये बदलाव So personally in society we see that ki agar gents ya you can say gents ya men's agar earn nahi kar rahe hain to wo jo point hai na unke respect se hum society judge karte hain ki wo agar कुछ अर्न नहीं कर रहे थे हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते और स्पेशली अगर उनकी वाइफ हो तो वो ऐसे होते हैं कि ये कुछ कमाने नहीं है और पता नहीं खाली घर बैठे हैं तो आई फील दैट कि अगर मेरे हस्बैंड कुछ टाइम ब्रेक लेना चाहते हैं या फिर वो कुछ टाइम के लिए नहीं काम करना चाहते हैं तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई शुड हेल्प हिम और आई शुड गिव हिम दैट रिस्पेक्ट कि अगर आप कमा भी नहीं रहे हो तो दैट्स ओके अगर कोई लेडीज मेरे पास आती है कोई पूछता है कि अगर आपके पति अर्न नहीं कर रहे तो आई शुड से द सोसाइटी दैट कि ही वॉन्ट सम ब्रेक्स एंड ही इज टेकिंग हिज ओन टाइम सो विद दैट पॉइंट वी शुड रिस्पेक्ट हिम कि अगर वो अर्न नहीं कर रहा है तो ही इज टेकिंग हिज टाइम मे बी इट कैन बी अनदर रीजन बट जो लड़के बॉयज अर्निंग नहीं कर रहे मेंस अर्न नहीं कर रहे तो ये जो चीज़ है ना इट हिट्स मेंस को ये बहुत ज़्यादा हिट करती है बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है सो आई फील दैट कि अगर मेंस कमा नहीं रहे हैं तो ये चीज़ मुझे उनके सेल्फ इस्टीम से नहीं जोड़नी चाहिए या फिर उनके रिस्पेक्ट से नहीं जोड़नी चाहिए तो आई फील दैट कि मैं ये चेंज करना चाहती हूँ मैं तब पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी या मैंने बहुत सारी जगह पे ऐसा एक्सपीरियंस किया है जैसे मेरे घर में अगर मेरे पेरेंट्स ना हो मेरा भाई अकेला है और मैं कॉलेज से 5-6 बजे आती हूँ और वो मुझे कपड़े धोते हुए दिखता है तो मैं जाके हंसती हूँ अच्छा तो कपड़े धो रहा है मतलब और उसी चीज़ में मैं अगर कपड़े धोती हूँ और वो आता है तो वो ऐसा रिएक्ट नहीं करता है तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वुमन मतलब रिस्पॉन्सिबल रहती है कि हाँ तुम मेल हो और तुम कुछ अलग कर रहे हो और कभी कभी मतलब खाना बनाते हुए मतलब वो खाना बना रहा है तो मतलब मम्मी लोग भी होते हैं अच्छा बेटा तू खाना बना रहा है और जब हम लड़कियाँ खाना बनाते तो कभी हमारी मामा ऐसे नहीं बोलती कि तू खाना बना रही है
तो मैं खुद से मतलब ये शुरुआत करना चाहूँगी कि हमें कुछ अलग रिएक्ट नहीं करना है जिससे उन्हें लगे कि वो मेल। I want to change myself in future. Literally, I have find so much things that I need to change myself. First, be respect toward girls without focusing on such a factors like वो कहाँ से आ रही है। जैसे कि हम यानी मैं ज़्यादातर लड़कियों से बात नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लुक हो, लैंग्वेज हो, लैंग्वेज को लेकर भी थोड़ा बैरियर रहता है। तो ये सारी चीज़ें यानी खुद की लैंग्वेज डाइवर्स मल्टीपल लैंग्वेजेस को एक्वायर करके बात करने की, ये एक खुद में वही चेंज चाहता हूँ। उसके बाद एज मच एज पॉसिबल आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माय फैमिली टू स्टॉप प्रोहिबिटिंग रिलीजियस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग पीरियड्स। मुझे जैसे कि बोला गया है कि पीरियड्स में लड़कियों को कुछ सारी चीज़ें प्रोहिबिट की जाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं अपनी लाइफ में अगर आगे चल करके इस तरीके के अगर चैलेंजेस आ रहे हो तो इसको मैं इस तरीके से लूँगा कि हाँ तू ये इट्स ओके, आप भी कर सकते हो। और तो और एक है कि फ्रीडम टू लाइफ पार्टनर फॉर प्रैक्टिसिंग व्हाट ही वांट, यानी कि अगर कोई लाइफ पार्टनर है जैसे कि शादी वगैरह हो जाती है तो जो हस्बैंड होता है हस्बैंड अपना रिलीजन चेंज नहीं करता है, तो जो वाइफ होती है वाइफ को रिलीजन सारा चेंज करना पड़ता है। तो इस सारी चीज़ों से हटके यानी जिस पर उसका फेथ है वो करे, मेरा जिस पर फेथ है वो मैं करूँगा। सो थैंक यू, दैट्स फ्रॉम माई साइड। वो लगने तो रचना ही है, लगने तो रचना ही है। मेरे को बना है तो उनको देख के वो कीबोर्ड वाला ही ना मोबाइल ही लिया के ले रहे हैं। इसके बाद क्या है कि अब मैं जो कर रहा हूँ इससे सेम मेरे को वो देखो एक ही है। This is a very beautiful realization you have shared, and it also connects to our effort to Saksham Vidya Abhiyan, the TEK Abhiyan, one of the women at last year. And we realized that we are working hard with community volunteers community. Across India, we had about 1.4 lakh volunteers. Unfortunately, the number of volunteers had more male members in the and it could not bring in more girls to it. क्योंकि जो हमारे भी तरीके हैं काम करने के, जब स्केल पर काम करते हैं तो टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल फैक्टर्स। यदि किसी को हाथ में मोबाइल है ना, उससे आप गूगल फॉर्म या फिर इंटरनेट या डेटा एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और अगर जो लड़कियों के पास में था भी, तो ऐसे भी कई सिचुएशंस आए हैं जहाँ पर हमें उनके घर में भाई से या फिर उनके घर में उनके पिताजी से बात करके उन्हें विश्वास दिलाना पड़ा है कि ये काम के लिए कुछ कर रहे हैं। तो यदि ये सीनियर सिटीजन किसी मेल मेंबर को भी कॉल कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट ट्रस्ट द डॉक्टर्स और गर्ल्स इन देयर ओन होम इवन टू यूज द मोबाइल फोन व्हिच आर देयर। इफ दिस रियलाइजेशन व्हिच वी शेयर्ड इज शेयर्ड अक्रॉस फैमिलीज इन द विलेजेस इन द कम्युनिटीज दैट वी आर गोइंग टू वर्क, इमेजिन द पोटेंशियल ऑफ यूथ that will change for this country and that will change the era of development. So equal access, equal opportunity. Jab inclusion hoga, jab aisa realization hoga, tab hamare desh mein access jo hai wo equality ki taraf badhega. So thank you so much. Thank you for bringing this point in. Over to him and then we will be. Yeah. तो मैं खुद में चेंजेस जो लाना चाहता हूँ वो तो जब अभी जो मैंने खुद में चेंजेस इस सेशन से पहले जो मैं करता था कि जो घर के काम है, जैसे मैं बहुत सारे मित्रों ने मेंशन किया कि जो मेरी भी जिम्मेदारी है वो मुझे करने हैं, क्योंकि हम लोग तब एक साथ रहते हैं तो जो चीज़ें होती है घर की जो भी काम होता है वो हम सबके हैं, घर के औरतों के नहीं है। तो वो एक आइडेंटिटी रूल है, तो उसको खुद से ही चेंज करना है, तो खुद को एक्शन भी करना पड़ेगा। तो वो जो काम होते घर के मैं करता हूँ, घर में बर्तन वगैरह धोता हूँ, कपड़े धोता हूँ, बाकी किचन में भी मम्मी को हेल्प करता हूँ मैं मेन रोल सीखना है मुझे सब तो करता हूँ। और जो मेरी मम्मी है, मैंने डीजे है, तो उसको ग्लोरीफाई करती है,
कि मतलब ये भी करता है, ये हमें हेल्प करता है, बड़ा बड़ा चीज करके बताती है, वो बड़ी चीज नहीं। जैसे हमारे एक फ्रेंड ने बताया कि चीजों को नॉर्मलाइज करना हमें सीखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि कोई बड़ी चीज तो है नहीं, वो करना ही है। जैसे वो करती है, मुझे भी करना ही है, तो उसको नॉर्मलाइजेशन करना वो सीखना है मुझे, वो मैं खुद में चेंजेस करवाना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं फ्यूचर में चेंज लाना चाहता हूँ, खुद को एक माइंड सेट में कि प्रेगनेंसी के मामले में जब शादी होती है, मतलब या मेरी पर्सनल बोलना चाहूँ तो शादी होगी और जब प्रेगनेंसी का टाइम आएगा, तो जब प्रेगनेंसी का शुरू होगा सब चीज़ें, तभी से वो मेरी जिम्मेदारी। मतलब जो हमने कबीर सिंह फिल्म देखी थी, वो फिल्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, जब सब चीज़ वो बहुत गलत थी, लेकिन सिर्फ उसमें एक चीज़ अच्छी दिखाई गई थी कि वो जब हीरो बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं, वी आर प्रेगनेंट, हम दोनों प्रेगनेंट हैं, मतलब वो जो है वो हमारा है, हम दोनों का इक्वल शेयर है, तो जिम्मेदारी इक्वल है, वी आर प्रेगनेंट। तो मैं वो खुद में रहना चाहता हूँ कि वी आर प्रेगनेंट, मैं कहना वो उस टाइप का खुद में बदलाव आना चाहिए। भाई जिस विजय से बिलोंग करता हूँ, आपने मतलब तो सरपंच जो है, तो पॉलिटिकली तो सरपंच है वो वुमेन है, तो वुमेन के रिप्रेजेंटेटिव हमारा सरपंच है, लेकिन सरपंच तो सिर्फ नाम के लिए, लेकिन पैट्रियार्की सोसाइटी की वजह से वो पूरा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मेल पर्सन चलाता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे विलेज में, मतलब फीमेल की जो प्रॉब्लम है मतलब वो सॉल्व नहीं हो पा रही प्रॉब्लम, तो मेरे मतलब ऐसा करना है मुझे कि मतलब हाँ मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। Thank you. So, what he shared is also considered as a personal behavior change. Just to reiterate, जब हम पर्सनली खुद के बिहेवियर में क्या चेंज करना चाहते हैं ये देखते हैं, तो ये नहीं होता है कि मैं सिर्फ मेरा एक्शन चेंज कर रहा हूँ, कई बार मेरे एक्शन इस तरह से भी चेंज करने हैं ताकि उस एक्शन से और कहीं पर भी इम्पैक्ट पड़े। So this is also one of the next level of articulating where do I want to change my behavior. Thank you. Yes. तो मुझे जो अपने में चेंज लाना है कि आगे जाके जो मेरे एडीसी प्रोग्राम मेरा है, आगे जाके मुझे बच्चे मिलेंगे, या मेरी लाइफ में भी जो बच्चे आगे आएंगे कहाँ से जाएंगे, समझा रही हूँ वो सोर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस दिस एंटायर अपब्रिंगिंग ऑफ मेन शुड नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस पब्लिकली, that builds up, और emotions एक energy की तरह होते हैं, once they are building up, they find a way to channelize emotion, अगर खुद उसको वो individual नहीं पर express नहीं कर पा रहे हैं, तो unfortunately they explode at another places, so whether it is a man, or whether it is a woman, or just say for every human, emotions find space for themselves to express. तो अगर हम सब भी अपने इमोशनल रेजिलियंस पर वर्क करते हैं, हम अपने सेल्फ रेगुलेशन पर वर्क करते हैं और सेफ स्पेस ढूंढकर वल्नरेबल होना भी सीखते हैं, मैंने जो गलती की या गलती ही क्यों, जहां पे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ या करना हूँ वो भी एक्सप्रेस करना सीखते हैं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ हेल्प विद इन आवर फैमिलीज एंड सोसाइटीज टू डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे अपने इमोशंस को चैनलाइज करें, एंड समवेयर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ड्रग अब्यूज, ड्रग एडिक्शन, ऑल दीज प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन ही है आज के सिचुएशन में वो सोल्यूशन ही इससे कनेक्टेड, दीज आर सम ऑफ द मेथड्स बाय व्हिच यू नो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर एड्रेस्ड। सो या दीज आर ऑल्सो फ्यू थॉट्स, मे बी विल लिसन टू टू थ्री पीपल ऑन this particular question and we come to the question. Go ahead. और ये एक बात है कि अपन को इससे बड़े मतलब बैठे तो क्या है ना, अपने घर कोई चीज लानी हो तो अपन सिर्फ अपने पसंद की लाते हैं, ना कि अपने भाई को पूछते हैं कि ये अच्छा है
लाना है, अपनी गाड़ी अपनी पसंद की लगी है, अपने दीदी को नहीं, लेकिन दीदी तेरे को ये गाड़ी अच्छी लगी, अपन आएंगे या कभी जाएंगे तो आपको भी कम्फर्टेबल रहेगा, या फ्लैट में लेना है तो उनको भी वो दूजा स्थान में लेके अर्पित करो। बोलो बहुत सालों से या बहुत समय सालों से मेल और फीमेल में काम का डिवाइड होता है, वो साल से चलता है, जो मैं अब अपने आप से खुद से ऐसी शुरुआत करना चाहता हूँ कि दोनों की बीच दूरी उनको कैसे कम किया और जो जैसे कि एक मेल और फीमेल इन दोनों के जो अंतर है या जो काम हो वगैरह वगैरह इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो कम हो। थैंक यू सो मच। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी आप इस पर और सोचें और ये दूरी कम करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा उसको लिखकर खुद के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रतीक्षा जी, आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली फॉर यू प्रतीक्षा, मैं तो ये मैम मैम सुन के मुझे लगा था मैं बकरी हूं सब मैम 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 आई एम जस्ट स्माइलिंग। मैं दो तरीके से बताऊंगा, मतलब जो मेरी शादी हुई है शादी के बाद की बात मैं बताऊंगा, लेकिन दो तरीके आपको पहली बार ये मेरी जब मेरी शादी हो जाएगी, मतलब जो जनरेशन में अभी लड़कों की किसी की भी शादी हो जाती तो उनके फैमिली वाले बहुत ही उनकी वो जो मतलब वाइफ है वो चार लोगों में बात करने वाली नहीं होनी चाहिए, किसी के सामने जो मतलब डेरी से उसमें एक्यूरेट नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है। तो मैं मेरे जो मेरी वाइफ होगी तो मैं उसको ये कहूँगा, मतलब उसके बदला यानी मेरे बदला वो मुझे चार लोगों के साथ मतलब ये लड़के दस लड़के हैं तो दस लड़कों के बीच में जाके वो बात करने वाली होनी चाहिए, वो कितने टाइम में आएंगे 6 बजे या 7 बजे मुझे कुछ लेना देना नहीं, वो आके मुझे बताओ बताए कि वो ऐसा पूरी डिटेल नहीं जो उसने जो कुछ अच्छा काम किया हो वो मुझे बताए और मैं जो कुछ अच्छा काम करूँ मैं उससे बताऊँ, और जो काम की बात रहेगी घर के काम तो सपोज उसे करना है तो वो करे, मुझे करना है तो मैं करूँ, मतलब ऐसा नहीं कि तू ये काम कर मैं ये काम करूँगा, अगर कपड़े धोने हैं तो वो मुझे बोलेगी मैं कोई और काम कर रही हूँ तो तुम आप कपड़े धो, तो मैं बोलूँगा, और जब मैं कोई काम करूँ तो मैं उसे बोलूँगा कि तू ये काम कर तो वो करनी चाहिए, मैं आगे जाके ये मैं हमारे यहाँ पे जैसे की सोसाइटी का अगर हम देखें सबको नहीं बोल रहा हूँ, एक सोसाइटी की सोच होती है कि मतलब मैं हूँ मैं जो चाहूँगा मैं कर सकता हूँ, और इस चीज को हमें मतलब मुझे खुद को इंश्योर करना पड़ेगा कि जैसे कि एक सेफ्टी पॉइंट अगर समझाऊँ कंसेंट वाला, तो इसे मुझे खुद इंश्योर करना पड़ेगा कि जैसे कि मैं और मेरी पार्टनर है हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ उसके जैसे कि इफ शी इज नॉट विलिंग टू हैव सेक्स ही बी ओके विद इट एंड ही विल सीक कंसेंट दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू आर्टिकुलेट। सो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप इन्हीं शब्दों में आप अपने रिपीट करना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो चाइल्ड सेफ गार्डिंग हो या फिर पोस्ट रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हो अगर हम इस पर बात करने में थोड़ी सी भी झिझक महसूस करें तो धीरे धीरे बात करते हुए मे बी इफ वी वोकलाइज इट यू विल बी वन ऑफ द डेमोंस्ट्रेटर्स जैसे कि उसके मर्जी के खिलाफ हमें आप मतलब उससे नहीं करना या सेक्स नहीं करना चाहिए these are not taboo in themselves. Because I feel hesitant to articulate it, they start, you know, adding up to the taboo of the society.
All right, we'll listen to one, two, yeah. मैम लाइक अपन इतनी सारी बात करें मतलब ये एजेंडा और सारी चीज़ों के लिए लाइक अपन बहुत समय से ये सब चीज़ें सोसाइटी को देखते हुए और आगे आने वाले समय में लाइक हम पेरेंट्स भी बनेंगे तो अपना एक्सपीरियंस भी कुछ का मतलब होता है लाइक हम अपने बच्चे को सेफ मतलब थोड़ा सा मतलब उनको गाइड कर सकते हैं इसलिए हम उनको टोकते होंगे बट हम ये नहीं चाहते कि एकदम उन पे मतलब वो लगाए रोक लगाए बस हम उनको गाइड कर सकते हैं उनको कुछ कर सकते हैं इसका इंटेंशन ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको रोक रहे हैं किसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हम उनको गाइड कर सकते हैं उनको कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको समझा सकते हैं तो ये तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि मतलब हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो उसको नज़र से देखा जाएगा लाइक उन पे रोक रहे हैं कि नहीं देखना मैं लड़का हूँ और मैं रो सकता हूँ और कोई मतलब कितना भी जज करे मैं पिछले मतलब पहले भी लेवल पे रोता था बहुत सारे इमोशन हुआ बहुत सारा मजाक करना लेकिन मैंने रोया है और आगे भी रोता रहूंगा आपकी लाइन क्या है इमोशनल अगर मोमेंट हुआ अगर मैं रो लिया अगर कोई मजाक भी बना रहा है तो ये मेरा फीलिंग है मैं खुद ही उसको एक्सप्रेस कर रहा हूं Thank you. And this is how exactly one can fight with, you know, लोग क्या करेंगे वाला फिनोमेना जो आता है ना ये सोशल कंस्ट्रक्ट से ही आता है So if you want to improve yours, आप सोशल सेक्टर में हो ऐसा कुछ हटके ही करने वाले हो ये तो गिवन ही है जो समाज नहीं चाहता है या फिर नहीं सोच पा रहा है आप वही करना शुरू करने वाले हो तो हमारी इंडिविजुअल क्षमता हमारी रेजिलियंस ऐसे घड़ियों में बढ़ाने के लिए we will have to continue taking such decisions. Thank you. Over to you. हम लोग अभी बहुत यहाँ पे बातें कर रहे थे अब हम लोग सब 20 से 25-26 के बीच में आए यहाँ से हम लोग जितने भी बात कर रहे हैं हो सकता है बात करने के बाद बाहर जैसे निकले खत्म हो जाए तो कर रहा है तो हम लोग मैं अपने में देखना चाहता हूँ जनरली हम लोग अब्यूजिव वर्ड कर रहे हैं और जनरली वो एक फीमेल जेंडर के ऊपर ही होता है तो मैं अभी सबके सामने कर रहा हूँ और ट्राई करूंगा कि आज अभी से ट्राई करूंगा वो वर्ड यूज ना करो और कुछ नहीं करने अपने सिस्टर घर में अपनी सिस्टर अपनी मदर या जो भी उनको हेल्प करना दूर की बात बस सपोर्ट करो चाहे वो किसी भी चीज में तो बस हम लोग अगर यहाँ 50 लोग है 60 लोग है ना बस ये छोटा सा चीज लेके अपने अपने घर में हम लोग जाए जैसे आपको मैंने बताया कि बेटा बोलने का ठीक है अच्छा नहीं लग रहा मेरा कुछ क्या था बाल को है कि बाल को अगर कुछ बोले वो तोड़ गया इस तरीके का तो ये चीज वो अनजाने में भी वही कर रहे थे जो कह रहा कि इंसान का बच्चा कि तुम है ना लड़की हो और करेगा तो तुम लड़का कैसे नहीं तुमको जो अच्छा लगता वो शादी करें तो किसी की मतलब किसी फीमेल से ये ना देखो कि वो कितनी पढ़ी लिखी है या उसके पास क्या दहेज मिल रहा है या और कुछ नहीं होता हम फीमेल से शादी करेंगे ऐसे ही लड़कों में भी है कि हम उससे शादी करें ना कि उसकी नौकरी से तो ऐसा मैं कुछ टॉपिक या कदम उठाना चाहता हूँ जैसे इससे मैं ये मान रहा हूँ
ठीक है, मैं जितना कैपेबल हूँ, मेरी जो पार्टनर आए थी, मैं उतना ही कैपेबल होने का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। क्या यह चेंज कैसे मैं ला सकता हूँ, इस चीज को कैसे चेंज ला सकता हूँ, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ऐसा सोचना कैसे बंद कर सकता हूँ? इसका आंसर हम स्पून फीड नहीं करेंगे यहाँ पे, यू विल हैव योर आंसर्स, क्योंकि इतनी दूरी अगर आपने तय कर दी है तो यू आर केपेबल ऑफ फाइंडिंग फर्दर आंसर्स फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द एग्जांपल्स। यस प्लीज। यूजुअली इन मोस्ट प्लेसेस व्हेन अ लेडी गेट्स मैरिड, शी यूजुअली गेट हर मेंटेन टू हिज हस्बैंड and that's not going to happen with me, just the thing I can do. ये गारंटी भी जब कोई ये नहीं यहाँ करके घर में आते हैं तो उनका नाम चेंज होता है। He chooses that his partner will not be compelled or will not need to change the name. ये decision मैंने भी I do had you know thought of this change for myself. But later on you know I got stuck into a certain debate in my own mind. Our country's law does not permit property rights. मतलब daughters को property rights allowed है, but usually family doesn't share their wealth, at least from the family that I come from. And later on when I was discussing this with my mother, I had to change my position. Why? Because if I look at security of my family, of my partner, or of my children, if by chance something happens to my husband, just because of not having that one small name change certificate, unfortunately today's country's property rights cause that concern for people. So whenever you make this decision, I have chosen now not to marry at all. So I will but for you, I will just encourage that you ensure safety for your partner, so that at least the marriage certificate acknowledges that you know this entire name is written in full, first name linked name, so that you don't face the similar concerns later. So see, हमारा society हर जगह पर law पर ही it is prepared only to a certain extent. And thank you so much for thinking of these small changes in your actions. I'm really grateful to the entire group for tolerating me and also for engaging and enjoying with me from yesterday till today in both the sessions. Today is my last session with you all. I'll be very back to my after this. If there is any feedback for me, I'm happy to listen to the response now. For us, we'll be closing this session at the beginning. So, any feedback for me, facilitation for everyone who listened to you all? Yes, please. Ma'am, after presentation or phone letter, thank you. Thank you so much. मतलब जो जो करवाना था वो आप लोग मतलब आपने हम लोगों से ही करवाया ये बहुत अच्छी चीज है, हमें सब कुछ सीखने को मिला। मैं तो इतना भी लोगों से मिला नहीं हूँ, बट अभी तक जितने लोगों से मैं मिला हूँ ईमेल में, और पे क्लैरिटी जो चाहिए ना वो आपके वाले क्लैरिटी आपने कहीं नहीं दी। ये सेंसिटिव इशू फर्स्ट टाइम एक्चुअली आप लोग जो बात कर रहे हैं अभी भी हम नहीं मैं वर्ड नहीं बोल सकता और किसी के सामने तो और भी नहीं बोल सकता। ये हम इंटरेस्ट नहीं था मेरे दोस्त लोगों की, तुम्हारा ये जो है ना ये बिहेवियर सही नहीं है, तो मालूम अपने बारे में अपने को मालूम है कि क्या करना चाहिए क्या है, वो अपने अंदर है शुरू से। ये चीज अगर शुरू बचपन से किसी को पढ़ाई गई है, अभी जितनी परेशानी जो झेल रहे हैं हम लोग वो नहीं होती, बहुत कम मजराई हो जाता है। तो ये हम पढ़ाने से बेहतर है, ये हम लोग जॉब में जा रहे हैं या काम के लिए जा रहे हैं, वहां पर से एक संस्था इसलिए संस्था को भी उनको मालूम है कि ऐसा हो सकता है। तो ये हमारे सिलेबस में और बचपन से जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर 1-5 या 1-8 होते हैं तब अगर हम लोगों को बताया तो बहुत हद तक ये चीज अपॉर्चुनिटी।
पुष्पा काहीतरी विचारते, काहीतरी बोलणार आहे. पिक्चर देखने का मन हो रहा है. पिक्चर देखने का मन हो रहा है. जितने भी हम लोग हैं बोलने में तो वो शाइनेस आपको फील ही नहीं आपके अरे जिस तरह से ये सेशन गया. लेकिन 2 बजे अपने अपने जगह पे मिलेंगे क्योंकि पॉश का सेशन है वो वर्चुअल होगा. लोग अगर जुड़ रहे हैं ना कहीं से तो मैं